सरगुजा जिले के झेराडी गांव के किसान को धोखा देकर समिति प्रबंधक और नोडल अधिकारी द्वारा 80 बोरा धान जब्त करने का आरोप लगाया गया है। ग्राम झेराडी के किसान ब्रजकिशोर त्रिपाठी धान का टोकन कटवाने के लिए बरगीडीह धान खरीदी केंद्र पहुंचे थे। किसान ने समिति प्रबंधक से टोकन कटवाने के साथ ग्रीष्मकालीन धान की जानकारी दी थी। समिति प्रबंधक ने आश्वासन दिया था कि पुराने और नए सभी धान खरीदे जाएंगे। किसान 500 बोरी धान लेकर समिति केंद्र पहुंचे, जहां समिति प्रबंधकों ने हम लोग की धान की तौल करवाई। इस दौरान समिति प्रबंधक ने जांच दल के नोडल अधिकारी को बुलाया। तौल के एवज में 10,000 रुपये की मांग की गई, जो किसान के पास तत्काल नहीं थे। नोडल अधिकारी ने रुपये ना मिलने पर 80 बोरा धान जब्त कर लिया और कहा कि किसान पुराने धान को खपाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले पर SDM नीरज कौशिक मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। 500 बोरी धान किसान के द्वारा बेचने के लिए आए थे, उसमें से पता चला कि कुछ धान जो है पुराने हैं। ऐसी स्थिति में जो है नोडल और जैसे राजस्व फूड और संबंधित नोडल है उनको भेजा गया, जिसको पाया गया जिसमें कि 80 बोरी जो है पुराने धान है, जिसको समिति को सुपुर्द कर दिया गया और बाद में वो जो धान खरीदी होने के बाद फिर से किसान को पुनः वापस कर दिया जाए। सर लेकिन ये ऐसा बोला तो गलत है, लेकिन ग्रीष्मकालीन धान तो बेचा नहीं जा सकता है, अभी नए धान ही बेचे जाएंगे वहाँ पे। और मैंने जैसा कि बताया कि पुराने धान नहीं बेचे जाएंगे, नए धान ही बेचे जाएंगे। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बरगीडी प्रबंधन के पास गया और उनसे कहा कि भाई मेरा धान जो है आप खरीद दीजिए जल्दी, क्योंकि मेरे को लड़के का शादी करना है, साफ सफाई करवाऊँगा। तो बोले ठीक है, आपका धान मैं 2 शिफ्ट में ले लूँगा, आपका 400 बोरा का है, 400 क्विंटल का, तो मैं आपका धान ले लूँगा। तो फिर उन्होंने 18 तारीख को बुलाया मेरे को और 18 तारीख को गया मैं और मेरे को 200 क्विंटल का टोकन उन्होंने दे दिया और 26 तारीख को लाने के लिए बोले। मैं 4 ट्रैक्टर में 26 तारीख को 500 बोरा धान ले करके गया और सोसाइटी के प्रांगण में खाली कर दिया। इसके बाद जो है वो लोग धान का चेक किए, नमी उमी जांच किए, फिर बोले ठीक है। फिर जो है प्रबंधक महोदय ने नोडल अधिकारी को बुलाया और नोडल अधिकारी आया और बोले कि भाई ये आपका धान रिजेक्ट है, हम इसको नहीं लेंगे, मैं नोडल अधिकारी हूँ। मैं बहुत समझाया कि सर मैं कृषक हूँ, बड़े मुश्किल से लाया हूँ, मेरा धान ले लिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और फिर मेरे से जो है कुछ पैसे का मांग किए। तो मेरे पास चूँकि मैं पैसा तो धर के गया नहीं था और इनका मांग इतना था कि उतना मेरे पास उपलब्ध नहीं था, मेरे पॉकेट में 2-3 हज़ार रुपये था, उसको मैं उनको दे दिया और वहाँ पर CCTV कैमरा भी था।